हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा राज्य छत्तीसगढ़। इसके पहले ऑलरेडी 4 राज्य हो चुके हैं, ये पांचवा राज्य छत्तीसगढ़ जिसमें हम भारत भूगोल में कवर करवा रहे हैं। एक सामान्य जानकारी, सामान्य अध्ययन इसमें करते हैं हम बिल्कुल 10 से 15 मिनट में फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा मैटर आपको 10 से 15 मिनट में मिल जाता है। एक सामान्य अध्ययन आपको हो जाता है एक राज्य के बारे में, जिसमें हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स और उनका कंटेंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए और इसके साथ साथ सभी राज्यों को कवर करिए। आपसे 10 से 15 मिनट में एक एक राज्य की सामान्य जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो एक एक क्वेश्चंस और जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो आप इसमें कवर करवाएंगे। सारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वहाँ पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और सारे राज्य आपको समीक्षा इंस्टीट्यूट के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ में एक सामान्य जानकारी के साथ देखिए, मध्य प्रदेश के 16 जिलों को लेकर पहले क्या है 2000 तक, ठीक है, 1 नवंबर 2000 तक पहले छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, जो पूरे जो भाग है ना, इसके जो पूरे 16 जिले हैं वो मध्य प्रदेश में शामिल थे। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग कर एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जो कि 26वें भारत राज संघ का 26वें क्रम का राज्य था, जिसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखना। कब पड़ा? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। 1956 के पहले यह महाकौशल क्षेत्र में शामिल रखते हुए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? 1956 में, 2000 के पहले नहीं, 1 नवंबर 2000 के पहले तो ये मध्य प्रदेश का पूरा भाग था, लेकिन 1956 में जब मध्य प्रदेश बना उसके पहले भी ये किस में? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र के अंतर्गत आता था, ठीक है। 16 जिलों के साथ अलग हुआ था, 26वें नंबर का राज्य, 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण छत्तीसगढ़ों की संख्या के आधार पर हुआ। स्मरणीय रहे कि कलचुरी राजा छेदी वंशीय थे, उनका राज्य छेदीसगढ़ कहलाता था। क्या कहलाता था? छेदीसगढ़ कहलाता था, जो कालांतर में आकर छत्तीसगढ़ हो गया। इस राज्य को समय समय पर अनेक उपनामों से भी जाना गया, या तो उत्तर वैदिक काल में ये कौशल, रामायण काल में महाकौशल, 16 महाजनपदों में छेदी जनपद, और टॉलमी के अनुसार अधिष्ठित तथा भूवैज्ञानिक आधार पर यह राज्य गोंडवाना लैंड का भूसंहिति का भाग था। सब नाम आपने समझ लिए, सारे के सारे नामों को याद रख लें। इसका स्क्रीनशॉट फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका आकार की अगर हम बात करें तो एक पंख के आकार का इसका आकार है, ठीक है, याद रखना। पंख के आकार के फैला हुआ छत्तीसगढ़ के अगर विस्तार की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अधेशांतर की बात करूँ तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी से लेकर 84 मिनट 51 पूर्वी देशांतरों के मध्य इसकी स्थिति है। राज्य कुल क्षेत्रफल की अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 135,151 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत का 4.19% क्षेत्र है। कितना है? 4.19% क्षेत्र है भारत क्षेत्र का। पूर्व से पश्चिम की अगर चौड़ाई की बात करें तो 435 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 700 किलोमीटर का कवर करता है। पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है टोटल? 435। उत्तर से दक्षिण टोटल कितनी है? 700 किलोमीटर। राज्य की औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 मीटर है। महानदी संपूर्ण राज्य में अपना प्रवाह क्षेत्र विस्तृत करे हुए है। यहाँ पर मुख्य नदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कौन सी है? महानदी है। और इसकी राजधानी की बात करूँ तो मैं रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। देखिए, महानदी का पूरा विस्तार क्षेत्र है, जिसके कारण इस राज्य को महानदी का कछार भी की संज्ञा भी दी जाती है। किस नाम से? महानदी की कछार का क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। और साथ साथ में याद रखना कि यहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर धान का कटोरा भी इसको उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में, याद रखना, इसकी अगर भौगोलिक स्थिति बात करें तो इसके उत्तर पूर्व में झारखंड है, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र है तथा उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश स्थित है। प्राकृतिक दशा के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य को निम्नलिखित 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से? देखिए,
छत्तीसगढ़ जो मिलकर बना हुआ है। पहले नंबर पे बघेलखंड का पठार आता है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ का पठार आता है, दंड कारनाय का पठार आता है और पाट प्रदेश आता है उत्तर पूर्वी भाग। चार भौगोलिक स्थितियों में इसको बांटा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ में तीन संभाग हैं, ठीक है, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। संभाग टोटल कितने हैं? तीन है। जिलों की संख्या कितनी है? 27 है। ब्लॉकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 146 है। तहसीलों की संख्या 149 है। क्षेत्रफल आपको मैंने बता ही दिया, 135,191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सरगुजा है। कौन सा है? सरगुजा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला है, ठीक है। सरगुजा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? कबीरधाम है। सबसे छोटा जिला जो है वो कबीरधाम है, ठीक है, और सरगुजा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुल जनसंख्या यहाँ की कितनी है? 2,55,40,196 कुल जनसंख्या है यहाँ का। पुरुष जनसंख्या यहाँ की कितनी है? एक पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 1,28,00,000 के लगभग, और महिला जनसंख्या 1,27,00,000 के आसपास यहाँ की कुल महिला जनसंख्या है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े जिला की बात करें तो रायपुर है। रायपुर में सबसे ज़्यादा जिला जनसंख्या है, 40,00,000 के आसपास। और सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो नारायणपुर है, ठीक है। चित्र में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का पूरा ही पूरा चित्र मैंने यहाँ पे हर ग्राफ हर पेज पर दिया है, जिससे आपको सुविधा हो याद करने में कौन सा ज़िला कहाँ पर है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 1,96,00,000 है, ठीक है, और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 59,00,000 के आसपास है, ठीक है। चलिए जनसंख्या भारत में राजक्रम की बात करें तो 17वें क्रम में आता है जनसंख्या क्रम में, ठीक है, जो 2.11% में बांटता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे ही पूरे परीक्षा उपयोगी फैक्ट देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जनगणत की दृष्टि से भारत में इसका राज्य कौन राज्यक्रम कौन सा? जनगणत की दृष्टि से 21वां क्रम आता है जनगणत की दृष्टि से। राज्य का लिंग अनुपात 991 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सर्वाधिक लिंग अनुपात बस्तर में मिलेगा, 1023 है। न्यूनतम लिंग अनुपात कोरिया का मिलेगा आपको, ठीक है, कोरिया का, जो कि 968 है। लिंग अनुपात में भारत में राज्यक्रम में चौथा स्थान रखता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कुल साक्षर जनसंख्या जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 70% जनसंख्या है, और पुरुष साक्षरता की बात करें तो कितनी है? 80% पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता 60% है, और कुल साक्षरता याद रखना 70% है यहाँ पर, ठीक है, 70.3%। सर्वाधिक जिला बताऊँ साक्षरता में तो दुर्ग है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बीजापुर है, ठीक है, ठीक है। दुर्ग आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है, जी दुर्ग है, ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है यहाँ की। साक्षरता के क्रम में अगर बात करूँ तो 20वां स्थान लगता है, और लिंग, ठीक है, याद रखना, जन घनत्व की दृष्टि में 21वां रखता है ये, और लिंग अनुपात की स्थिति में जो कौन सा क्रम रखता है? चौथा स्थान रखता है, ठीक है। तीनों को अच्छी तरीके से याद करें। विधानमंडल की बात करूँ तो एक सदनात्मक विधानसभा है यहाँ पर। लोकसभा सदस्यों की बात करूँ संख्या तो 11 है लोकसभा सदस्य की संख्या, राज्यसभा सदस्य की संख्या 5 है, और विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 90 है, ठीक है। तीनों को अच्छी तरीके से याद रखने, प्रशासनिक आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम थी छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन हुए। तो प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय हुए, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी हुए। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में। राजकीय पशु कौन सा है? वन भैंसा है, ठीक है। राजकीय पशु राजकीय वृक्ष सरई है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? हंसदेव है, बारगी नदी पर, ठीक है। प्रमुख खाद्यान्न धान है, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। ताप विद्युत केंद्र 2 है और जल विद्युत केंद्र 7 है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है छत्तीसगढ़ के। आगे तो प्रथम राज्यपाल हो गए दिनेश नंदन सहाय, अजीत जोगी प्रथम यहाँ के मुख्यमंत्री, और उच्च न्यायालय बिलासपुर याद रखना। छत्तीसगढ़ के पशु वृक्ष प्रतीक चिन्हों को भी याद रखना, और स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के और महत्वपूर्ण तथ्यों की। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है यहाँ पर, जो कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थित है।
कृषि विश्वविद्यालय भी एक है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में, संगीत विश्वविद्यालय भी एक है इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में, मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्थित है, पशु चिकित्सालय महाविद्यालय पशु चिकित्सालय महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है यहाँ पे, अभयारण्यों की संख्या 10 है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा अभयारण्य बात करें तो तामोर पिंगला में है, ठीक है। सबसे छोटा अभयारण्य कहाँ पर, बादल खोल वन्य जीव अभयारण्य है, मात्र 104 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रमुख धर्म यहाँ पर हिंदू मिलेगा। सर्वाधिक बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, गोंड आदिवासी समूह, कौन सा, गोंड आदिवासी समूह सबसे बड़ा है। सर्वाधिक बड़ा नगर रायपुर है जनसंख्या की दृष्टि से। सर्वाधिक ऊंचाई नदी की बात करें तो सर्वाधिक ऊंची नदी महानदी है, पूरा ही पूरा महानदी तंत्र से फैला बिल्कुल विस्तृत है पूरा ही पूरा छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम सर्वाधिक बड़ी चोटी देवगढ़ की चोटी है, 1027 मीटर ऊंची है। राज्य का सर्वाधिक बड़ा वर्षा वाला स्थान आबू झाड़ है, कौन सा है, आबू झाड़ है बस्तर जिले में। राज्य का अधिकतम तापमान वाला स्थान कौन सा है, चांपा है। राज्य का प्रमुख जलप्रपात चित्रकूट प्रपात इंद्रावती नदी पर है, कौन सा, इंद्रावती नदी पर है। सालवनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है, किसको, सालवनों का द्वीप छत्तीसगढ़ में। चौराहों का शहर किसको, जगदलपुर को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये उपनाम है, ठीक है, उपनाम पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको, राजिम को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भौरमदेव को कहा जाता है, कौन से, भौरमदेव को। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहा जाता है। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, बनवारी लाल अग्रवाल। प्रमुख कारखानों की बात करें तो यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है, सीमेंट फैक्ट्री है, वाल्को के द्वारा है, ठीक है, वाल्को है, NTPO है, ठीक है, कोरबा में NTPC। चलिए अब NTPC का फैक्ट्री भी यहाँ पर स्थित है। राज्य का पहला सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर, रायपुर में। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर, रायपुर में ही है। सर्वाधिक ऊंचाई पर बांध कौन सा है, मिनी माता बांगो परियोजना हंसदेव नदी पर, कौन सी, हंसदेव नदी पर सर्वाधिक ऊंचाई पर बांध परियोजना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति की अगर बात करें तो भौगोलिक स्थिति, किसके आसपास के कौन कौन से जिले यहाँ पर स्थित हैं, कौन कौन से राज्यों के जिले लगे हुए हैं, कौन कौन से राज्य लगे हैं और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले इनसे सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की सीमा से स्थित लगा हुआ है सरगुजा। सबसे ऊपर अगर आप बात देखो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है, सरगुजा पहले नंबर पर जे वाला जो बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। भारत में इसकी स्थिति देख सकते हैं कहाँ पर है, तो आपको राज्यों को ही पता चल जाएगा कि ऊपर उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में मध्य प्रदेश है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, पूरब में उड़ीसा है, सारे के सारे आपको पता चल जाएंगे भौगोलिक स्थिति में, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है, सरगुजा। मध्य प्रदेश की सीमा पर इसका कौन कौन से लगे हुए हैं, कोरिया, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, कौन कौन से, राजनांदगांव मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। महाराष्ट्र की सीमा पर अगर स्थित है तो देखिए राजनांदगांव, बस्तर और दांतेवाड़ा लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश की सीमा पर भी दांतेवाड़ा लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की सीमा से। उड़ीसा से अगर बात करूँ तो दांतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, महासुमंद, रायगढ़ और जसपुर, कौन सा, जसपुर, यानी छत्तीसगढ़ के जितने भी पूरब के ज़िले हैं वो सब की सब उड़ीसा से लगे हुए हैं। झारखंड की बात करें तो जसपुर और सरगुजा, कौन कौन से, जसपुर और सरगुजा झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों ज़िले यहाँ पे। चलिए तो भौगोलिक स्थिति आपने देख ली, कौन कौन से ज़िले किस राज्य से लगे हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। प्रमुख गुफाओं की अगर बात करें तो कौन कौन सी गुफाएं हैं, देखिए कुटुम्बसर है बस्तर में मिलेगी, कैलाश मिलेगी आपको बस्तर में, सीता वेंगा मिलेगी सरगुजा में, जोगी मारा सरगुजा में मिलेगी, रैनखोल बिलासपुर में। सभी ज़िले आपको याद होने चाहिए, टोटल 24 ज़िले, 24 से 25 ज़िले जो छत्तीसगढ़ में,
वो सभी जिलों की स्थिति आपको याद होना चाहिए, जब भी आपको अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ याद करने में सुविधा होगी। प्रमुख बोलियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, हलवी बोली जाती है, ठीक है, आबूझमाड़ी, गोंडी, मतरी, दौरली, गढ़वी, परवी आदि, यहाँ पर सारी सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। प्रमुख लोकगीत की बात करें तो पनवानी, जमरा, देवार, नागमत, धैकी, वासगीत, गौरा गीत, दादरिया, चैत पराव, धनकुल, लैंजा, भरतरी आदि प्रमुख बोलियाँ बोली जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करूँ तो लोक नृत्य में नाचा है, बतरारा है, ककसार है, चंदौनी, गोंदा आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। फ्रेंड्स, ये था सारा ही सारा मैटर छत्तीसगढ़ से संबंधित, काफ़ी उपयोगी मैटर है। इसी प्रकार सभी जिलों को हम कवर करवाएंगे। जुड़े रहिए समीक्षा इंस्टीट्यूट के साथ, यहाँ पे आपको पूरा ही पूरा स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता रहेगा। काफ़ी फॉलोअर्स और काफ़ी लाइक कर रहे हैं फेसबुक पेज पर, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को सहयोग इसी तरीके से बना रहे समीक्षा इंस्टीट्यूट बढ़ाने में, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यूट्यूब चैनल को, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता ही रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले टॉपिक में, जब तक के लिए बाय।